आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो वही प्रदेश में 5 तारीख तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश में 5 तारीख तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने ये सूचना जारी की है। साथ ही साथ प्रदेश की जनता को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी। प्रदेश के कई राज्यों में मॉनसून दस्तक दे चुका है और इसी बीच उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में प्रदेश में 5 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस में दिग्गजों के बीच एक बार फिर वार पलटवार का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आमने सामने आ गए हैं। विधानसभा के चुनाव में हार के लिए बार बार ठीकरा फोड़े जाने से नाराज हरीश रावत ने प्रीतम सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव में सामूहिक नेतृत्व पर जोर देने वाले चुनाव परिणाम के बाद सामूहिक जिम्मेदारी पर मौन है। वो जिन संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ी वहां पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है। अन्य लोग भी बताएं कि उन्होंने कितने उम्मीदवारों को जिताया है और आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। किसी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं तो जो कुछ हमारे साथियों ने कहा है उसको मैं देववाक्य मान करके, वो बिल्कुल सत्यता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव से जीतता है, वो किसी या पार्टी के नाम से जीतता है, ये कारक हैं। मगर मेरी व्यथा ये है कि कुछ लोग कंपेन चला करके हरिद्वार के अंदर हार के का ठीकरा कहीं भी जाते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं। हल्द्वानी के डीआईजी नीलेश आनंद भरने हर शनिवार जनता दरबार लगाते हैं। हालांकि उनके जनता दरबार से पूरे कुमाऊं से लोग नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने कंप्लेन सेल का उद्घाटन किया। कंप्लेन सेल के लिए नंबर भी जारी किया गया। वहीं इस नंबर पर लोग अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। खास बात यह है कि इन शिकायतों पर एसएमएस के जरिए भी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी से ये पूरी खबर है, जहां पर कंप्लेन सेल नंबर भी जारी किया गया और इस पर जो शिकायतकर्ता जनता दरबार में नहीं पहुंचते हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेरे द्वारा हर शनिवार को जो है एक यहाँ पर जनता दरबार जो है मेरे हल्द्वानी के कक्ष के वहाँ लिया जाएगा, जो कि जो भी कुमाऊं रीजन से जो भी पुलिस से संबंधित जो भी शिकायत करना चाहता है तो हल्द्वानी इधर मेरे कैंप ऑफिस से 10 से 7 बजे तक आ सकता है। और अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता है दूर दराज से, तो ये नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ उसके माध्यम से वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से भी जो है वो अपना वीडियो कॉल करके भी अपनी शिकायत दे सकता है व्हाट्सएप से। देहरादून के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश होने से जलभराव की समस्या से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश होने के चलते कई इलाकों में बिजली घंटों तक नहीं आई। देहरादून के डीएम ने जलभराव की समस्या को लेकर कहा कि बरसात के दिनों में अगर कहीं पर भी आपदा जैसी स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे, जहां पर बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई और ऐसे में कई घंटों तक लाइट की जो समस्या है वो भी बनी हुई है, बिजली की समस्या बनी हुई है। जलभराव की समस्याएं हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है 24/7 संचालित है और तहसील्स में भी आपदा कंट्रोल रूम 24/7 वर्क कर रहा है। इस बार हमने तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम्स को और सुदृढ़ करने के दृष्टिगत हम लोग ज्यादा से। कोटद्वार में 2 दिनों से हो रही हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रखती है। आपको बता दें कि साफ सफाई को लेकर लाखों दावे किए गए, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद यहां के हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होने से सड़कों पर कीचड़ और गंदगी फैल गई है। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग नगर निगम को कोसने लगे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हल्की बारिश के चलते ही
सड़कों पर कीचड़ और गंदगी जमा हुई और ऐसे में ये सभी तस्वीरें नगर निगम की पोल खोलती नजर आ रही है और इन वजहों से आम लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो नगर निगम की नालियां हैं, ये नालियां कभी साफ तो होती है नहीं और जो है हर साल आए दिन जब भी बरसात लगती है तभी जो है ये पानी मेरी दुकान के अंदर ये जो है तीसरी बार घुस चुका है। मैं हर बार जो है नगर निगम को बोल चुका हूँ, हर बार बोला मैंने कि यार ये नालियां साफ करो लेकिन कोई साफ करने को तैयार नहीं है ना कोई सुनने को। खबर रामनगर से है जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिचरानी जोन पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। मानसून के मद्देनजर हर साल 30 जून से 15 अक्टूबर के बीच बिचरानी जोन बंद कर दिया जाता है। वहीं विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिचरानी जोन गुरुवार शाम 3 से 6 बजे की आखिरी सफारी के साथ पर्यटकों के लिए बंद हो गया है। आखिरी सफारी में 150 लोगों ने बिचरानी जोन का लुत्फ उठाया लेकिन अब 15 अक्टूबर तक बिचरानी जोन में पर्यटकों की चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि मानसून के दौरान हर साल 30 जून को बिचरानी जोन पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया जाता है, बाकी के 3 जोन पूरे साल खुले रहते हैं। बिचरानी जोन हमारा बंद हो गया है लेकिन अभी हमारे इस साइड में 3 खुले हुए हैं, जिसमें झिरना, ढीला और गर्जिया। गर्जिया में क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते ख़राब हो गए तो उनको हम डे टू डे बेसिस पे खोलने का व्यवस्था की है कि जैसे ही बारिश खुलेगी वैसे ही खोल देंगे उस हिसाब से। और KTR में अभी हमारा पाखरो वाला जोन खुला है। आज सफारी के लिए आई हूँ, पता नहीं था कि आज आखिरी दिन है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यहाँ आकर पता चल रहा है कि आज आखिरी दिन है एंड वी आर वेरी लकी टू। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है, जंगल है, हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा माहौल में, बहुत एक्साइटेड फील हो रहे हैं। DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए हर शनिवार को DIG कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता दरबार लगाने की शुरुआत की है। यहां तक कि DIG अब स्मार्ट तरीके से जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जनता दरबार की शुरुआत करते हुए DIG ने कहा कि जो लोग जनता दरबार में आना चाहते हैं वो अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि पहले दिन एक फरियादी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद DIG ने उसकी समस्याओं का समाधान भी किया। लेकिन कुछ लोग आज जो है हर शनिवार जो है DIG कैंप कार्यालय जो है हल्द्वानी कोतवाली के पीछे मेरे द्वारा हर शनिवार को यहाँ जो है जनता दरबार लगाया जाएगा। तो उसमें आज हम 6 शिकायतें प्राप्त हुई है सुबह से। पूरे जो हमारे कुमाऊं मंडल के 6 जिले है जो दूर दराज के क्षेत्र है तो वो जो यहाँ नहीं पहुँच सकते तो वो अपनी शिकायतें जो है वो व्हाट्सएप से भी भेज रहे। एक वीडियो कॉल भी मेरे को आई है तो कुछ अपना जो कोई अगर किसी के साथ मारपीट हुई तो वहाँ का वीडियो मेरे पास आया है अस्पताल से। तो लोग जो है जो अगर कुछ अपनी बात मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, अगर थाना चौकी के अलावा भी अगर उच्च अधिकारी के माध्यम से, तो मेरे पास इस तरह से जो है आज जनता दरबार में कुछ तो लोग व्यक्तिगत आके यहाँ मिल सकते हैं, अन्यथा कुछ शिकायतें मेरे पास आज 6 शिकायतें आई है तो उसको मैं जो है इस हाईटेक टेक्निक से जो है एक स्मार्ट तरीके से प्रोजेक्टर और स्क्रीन के माध्यम। रामनगर में शनिवार को जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया जहां DM धीरज गबरियाल ने जन शिकायत निवारण शिविर के तहत जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। तो DM ने बताया कि शिविर कुल 40 समस्याएं फरियादियों ने दर्ज कराई जिसमें मुख्य रूप से बिजली, पानी और पेंशन की समस्याएं थी। तो रामनगर से खबर आपको बता दें जहां पर जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया तो वहीं DM ने जनता की समस्याओं को सुना और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुआवजा जिन लोगों को मिल सकता था लीगली उन लोगों को दे दिया गया। हाँ, लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि आने वाले सत्र में जो या इस वित्तीय वर्ष में तो उस एरिया में जो फ्लोरिकल्चर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम रेफरल बैन वगैरह इनको देंगे और उस एरिया में जितने लोग बागवानी के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं उनको हम लोग।
हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान बारिश के मौसम में सांप और कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मेले के दौरान कांवड़ यात्रा के रास्ते पर सांप और कुत्ते के काटने से घायल हुए मरीजों के इलाज पर ज्यादा जोर रहेगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष तैयारी कर रहा है। स्थायी व्यवस्था के अलावा हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के रास्ते पर 16 और नजीराबाद के रास्ते पर एक मेडिकल पोस्ट स्थापित किया जाएगा। हाईवे के किनारे की झाड़ियों की पूरी तरह से सफाई की जाएगी, जिसके लिए 1500 अतिरिक्त मानव संसाधन को किया जा रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि भीड़ वाले क्षेत्रों में तुरंत स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस लगाई जाएंगी, जिसे हरिद्वार कुंभ 2021 के दौरान तैयार किया गया था। जितनी वहाँ पे अस्थायी सेंटर्स हैं, वहाँ पे कुत्ते काटने का इंजेक्शन, जिसको यारवी बोलते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में रखे जाएंगे, चूंकि डर रहता है कि उस समय कुत्ते काटने का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है और काटते हैं। और सारे जो हमारे हॉस्पिटल से परमानेंट हैं, वहाँ पे ASV एंटी स्नेक वेनम, जो सांप काटने का, चूँकि बरसात का सीजन है तो सांप काटने के भी केसेस आते हैं, तो उसके जितने हमारे परमानेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स तैनात रहेंगे, जो कि स्नेक से अगर कोई काटा हुआ कोई व्यक्ति है या महिला आ रही है तो उनके। गदरपुर तहसील सभागार में BLO की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डाटा एंट्री ऑपरेटर नवीन सिंह ने BLO को मतदाता सूची सुधार करने की जानकारी दी। तो वही आपको बता दें कि सभी BLO को मतदाता सूची की चेकलिस्ट भी दी गई। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का फोटो दूसरे की मतदाता सूची में अंकित हो गया हो तो वो पत्र 8 भर उसे जमा करे। साथ ही बताया कि अगर किसी का एक ही मतदाता सूची में कई बार नाम है तो उनके नाम को डिलीट करने के लिए पत्र संख्या 7 भर की जानकारी भी नहीं दी। अपलोड का ऑप्शन 5 पन्ने हैं वेवरा ऐप में भरने के, ठीक, पहले फोटो उसके बाद ऑनलाइन प्रारूप 6, 7, 8 और 8 का भरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें आज हमने विधानसभा 65 गदरपुर और विधानसभा 66 जो तहसील गदरपुर के अंतर्गत आती है उन सभी BLO को हमने आज गरुड़ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण। टनकपुर के गांव पूर्णागिरी विहार में एक घर के अंदर सांप मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड स्टेशन को दी। तो वही मौके पर पहुंची फायर रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत और सावधानी के साथ सांप को रेस्क्यू करते हुए पकड़ा और सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद जो है सांप को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद सुरक्षित उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बागेश्वर जिले में जानवरों की तस्करी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। उमरकोट के ग्रामीणों ने 5 भैंसों की तस्करी करते हुए 2 लोगों को पकड़कर बागेश्वर पुलिस को सौंप दिया। तो वही बजरंग दल के नेता और हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने उमरकोट के ग्रामीणों को बधाई दी और कोतवाली पुलिस बागेश्वर से गौवंशी तस्करों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उमरकोट के ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में गौवंशीय पशुओं की तस्करी का कारोबार लंबे समय से चल रहा है और कोतवाली पुलिस बागेश्वर के विवेचना प्रभारी खुशवंत सिंह का कहना है कि उमरकोट के ग्रामीण द्वारा गौवंशी पशुओं की तस्करी करते हुए 5 भैंसों के साथ एक पिकअप को कोतवाली लाया गया और ग्रामीणों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और गांव वालों के विरोध करने पर हम लोगों ने कल रात को छापामारी की। वहाँ पर छापा मारने के बाद गाड़ी में 5 भैंसे पकड़ी गई और 2 उस वाहन में सवार थे 2 व्यक्ति जो गदरपुर की निवासी। ग्राम हमसोर कोर्ट में कल रात्रि को ग्राम वालों ने एक पिकअप में 5 भैंसे पकड़ी हुई थी, जिसमें वो लेकर थाने आए और उन्होंने तहरीर दी है जिसमें आवश्यक। खबर जसपुर से है, जहां लगातार नशे के रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की है। वहीं आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस प्रशासन ने फिर एक बार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तो वही कोतवाल जसपुर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद नशे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और थी स्कूलों में भी जाकर नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। तो ये मामला जसपुर का है, जहां नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो वहीं एक युवक को
भी जो है इसमें गिरफ्तार किया गया, जिससे 20 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। सर इच्छा महोदय के निर्देशन में टीम गठित करी गई थी, जो क्योंकि नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, तो इस टीम में SI श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट, श्री सुनील कुमार और कांस्टेबल नवीन प्रकाश, इन्हें लगाया गया था। और इन्होंने कल 1/7/2022 को 6:55 पर एक अभियुक्त जिसका नाम जिशान पुत्र दिलशाद है, निवासी बिठौरा फतेहगंज का रहने वाला, उससे करीब 20 ग्राम। हरिद्वार रोड स्थित अमोला रेस्टोरेंट परिसर में नेशनल डॉक्टर्स डे पर रक्तदान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद नरेश बंसल ने डॉक्टर को संबोधित किया। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि मानवता के नाते गरीब मरीजों को भी पूरी तवज्जो दें। तो वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टरों ने योगदान की सराहना की। वहीं विशिष्ट अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि कोरोना में डॉक्टरों के योगदान की सराहना की और जनता से अपील की कि सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग न करें। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने भी प्रदेश के सभी डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि ग्रामीणों को भी सस्ता और अच्छा इलाज मिलेगा। मसूरी से देहरादून जाने वाले रास्ते से दून घाटी का विहंगम नजारा रोमांचित कर देने वाला बना हुआ है। पूरे दून घाटी को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से धरती की ओर देख रहे हो, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित नजर आ रहे हैं और वो इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर अपने साथ सजू कर ले जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर जो पर्यटक हैं वो इस नजारे का लुत्फ उठाते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि मसूरी से ये नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर देहरादून घाटी को बादलों ने अपने आकोश में ले लिया है और वहीं पर्यटक इस नजारे को देखकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। आज व्यू बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, दून घाटी पूरी ढकी हुई बादलों। हाँ, आज बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बादलों से ढकी हुई है दून घाटी। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मौसम गॉड गिफ्ट हो रखा है कि आए हैं तो इतना अच्छा मौसम है, तो मजा आ गया। और साथ में मौसम मौसम मैं तो जब भी लगभग आता रहता हूँ, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी बारिश का मौसम होता है तो मैं आ ही जाता हूँ इधर। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब आशा वर्कर्स और महिला डॉक्टर्स के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद CMS डॉक्टर पंकज माथुर ने मामले को समझा बुझा कर शांत किया। बताया जा रहा है कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मधु माथुर देरी से पहुंची थी, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का जमावड़ा लग गया। वही व्यवस्थाओं को देखकर आशा वर्कर्स ने हंगामा कर दिया। यह है कि यहाँ जो है 8 बजे से नंबर लगने शुरू होते हैं, डॉक्टर साहब हमारी 10 बजे से बैठती हैं और कोई इमरजेंसी अगर पेशेंट आता है तो उसको वो नहीं देख पाती हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसे इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको वो पहले देखे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो 8 बजे नंबर लगाएगा वो 12 बजे नंबर उसका आएगा। ये सारी यहाँ पर जो धांधलेबाजी चल रही है सारी गलत है। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि जो भी है डॉक्टर साहब अपने व्यवहार में जो है चेंजेस लाएं। आशाओं के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आशाएं जो है जबरदस्ती हमसे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो है रेफर बनवाती हैं, वो गलत है। उनका जो आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है वो गलत है। ज्यादा भीड़ थी और मेरे पास एक लेडी डॉक्टर एक ही है जो स्पेशलिस्ट है। एक डॉक्टर मैंने बन्ना खड़ा से बोला कि जनरल मरीज देख रही है और एक इमरजेंसी कर रही है। NCC के बच्चे भी आए हुए थे काफ़ी सारे, 25-30, उनका भी मेडिकल बनना था। तो थोड़ा सा अफरा तफरी मची, जो हमारी वार्ड आया जो बाहर गेट पर बैठती है उसने मैनेज करने की कोशिश करी। जब उससे नहीं हुआ तो अपने गार्ड को ही बुलाया, उससे भी मैनेज नहीं हुआ, मैं खुद भी गया। फिर ये उसी चक्कर में कोलाहल मचा कि वो कुछ लोग परेशान हुए कि भाई मेरा नंबर पहले था या बाद में था, उसकी व्यवस्था करना। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जसपुर विधायक आदिश चौहान के घर पहुंचे। प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने विधायक के घर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान
प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है। ऐसा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया, चाहे विपक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के हमारे साथी सहयोगी रहे हों, साथी हों, उनके भी उन क्षेत्रों में भी काम हुआ है। लेकिन आज वो सारी चीजें दरकिनार कर दी गई हैं। विकास तो भी अगर विकास का विकास तो सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, सबका साथ सबका विकास की परिभाषा को परिभाषित क्यों नहीं। ऋषिकेश में सावन महीने से शुरू होने वाली नीलकंठ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए टिहरी पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मुनि की रेती थाना क्षेत्र में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस की ओर से पूरी कर ली गई है। पूरे क्षेत्र में नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि कांवड़ क्षेत्र को पुलिस ने 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में डिवाइड किया है। साथ ही 9 अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। श्रद्धालु बड़ी आस्था से पूजा करने के लिए वहां पहुंचते हैं और ऐसे में प्रशासन भी अब हर तरह से मुस्तैद वहां पर नजर आ रहा है। यात्रा को लेके जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और इस बार यात्रा को सकुशल चलाने के लिए हमने इसको 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और इसमें अतिरिक्त पुलिस बल इस जो कांवड़ वाला क्षेत्र है हमारा वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। इसमें पीएसी है, ट्रैफिक के अतिरिक्त जवान, होमगार्ड्स, पीआरडी। और अब खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य और जहां पर जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी सचिन कुर्वे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच रेखा आर्य ने हाल ही में हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के तबादलों को जल्द निरस्त करने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की माने तो इस मामले पर मुख्यमंत्री से उनकी बात हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही तबादले निरस्त कर दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, माने मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और 100 दिन का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उस संदर्भ में उनसे चर्चा। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो भी चीज हमने कही वो निश्चित रूप से जनहित में, जनप्रतिनिधियों के हित में, उस परिप्रेक्ष्य में थी और मैं समझती हूँ आगे भी जो निर्णय होंगे सरकार की ओर से होंगे वह भी जनता की आवाज़ को सुनते हुए होंगे। मेरा तो यह कहना है कि अधिकारियों को प्रेस से बचना चाहिए और राजनेता जो हैं, जो मंत्री हैं विभागीय, ये घुड़सवार हैं। घुड़सवार को और घोड़ा और घुड़सवार दोनों में एक ऐसा संबंध है जिसके बिना आप कोई यात्रा पूरी नहीं कर सकते। आपसी समझ से और घुड़सवार भी जानना चाहिए कि किस। खबर विकास नगर से है, जहां मॉनसून सीजन की शुरुआत हो रही और स्कूलों की छुट्टियां खत्म होने का असर साफ दिखाई दे रहा है। चारधाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में यात्रियों की तादाद अब लगातार घटती जा रही है। पिछले सप्ताह तक हरिद्वार की सड़कों पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई थी और फिलहाल ट्रैवल कारोबारियों और टूर ऑपरेटर्स के पास बुकिंग घट गई है। फिलहाल यात्री अक्टूबर महीने में चारधाम यात्रा को लेकर बुकिंग करवा रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि मॉनसून सीजन में हर बार यात्रियों की संख्या का ग्राफ गिर जाता है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत में ही एक बार फिर से यात्रा जो है वो जोर पकड़ेगी। भीड़ अब नेचुरली भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो निश्चित है कि जैसे जैसे अब स्कूल खुलने शुरू हो रहे हैं, मॉनसून का इम्पैक्ट आना शुरू हो रहा है, तो भीड़ स्वाभाविक कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी जैसे जैसे मॉनसून हमारा खत्म होगा, अभी तो यात्रा चल ही रही है, अभी भी ठीक ठाक नंबर्स में चल रही है और जैसे ही मॉनसून खत्म होगा तो एक दोबारा से हम एक अच्छी संख्या में देखेंगे तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा पर। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।